बात करते हैं, सब अपने आप को म्यूट रखेंगे। तो आज अपनी क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबस्ट्रेट्स फॉर सबस्ट्रेट्स यूज्ड एज कार्बन सोर्सेज। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जैसे कि मीडिया में वो कार्बन का सोर्स होता है, जो हम लोग मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं मीडिया फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में, कि कार्बन का सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है, सब म्यूट करो अपने आप को, कौन अनम्यूट नहीं किया है। कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है, ऊर्जा का माध्यम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोगों को मिलती है तो वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से मिलती है, तो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को आपके मीडिया में जो है डालना होगा, मीडिया में आपको ऐड करना होगा। जरूरी इसलिए है क्योंकि हम ये जो पढ़ रहे हैं पूरा टॉपिक मीडिया फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, इसके अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो उद्योग जो होते हैं बड़े बड़े, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जो मीडिया यूज किया जाता है, उस मीडिया में क्या क्या कंटेंट आपके रहने चाहिए। इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन अगर करवा रहे हैं आप, तो कैसा मीडिया आपका होना चाहिए वो आपको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने कल मीडिया के बारे में इंट्रो दिया था, मीडिया कितने प्रकार के होते हैं वो बताया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सबस्ट्रेट यूज्ड एज कार्बन सोर्सेज, कि कार्बन सोर्स के रूप में हम लोग क्या क्या सबस्ट्रेट जो है वो यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है उसमें, कार्बोहाइड्रेट जो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में। रिफाइंड एंड प्योर कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज और सुक्रोज आर रेयरली यूज्ड फॉर इकोनॉमिक रीजन। अगर आप फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो भी कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाइन इंडस्ट्री में जा रहे हैं या बियर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, या फिर अगर आप फूड इंडस्ट्री में डेयरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो भी आपका कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस के रूप में क्या चीजें हैं जो मीडिया बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला है मोलेसिस। क्या होता है इसे देखते हैं। मोलेसिस आप लोग बहुत कम ही लोग जानते होंगे, आप लोग बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो यूज भी किए होंगे इसे, क्योंकि ये वेस्ट कंट्रीज में ज्यादा यूज होता है। एक चॉकलेट सिरप जो आप लोग देखे होंगे ना, चॉकलेट सिरप के जैसा रहता है ये मोलेसिस जो है, और ये जो मोलेसिस होता है ये एक्चुअली बना रहता है आपका शुगर केन से बना रहता है। एक्चुअली ये गन्ने का जो बाई प्रोडक्ट है, ये सह उत्पाद जिसे होते हैं, मैंने आप लोगों को सह उत्पाद के बारे में भी बताया था। सह उत्पाद का मतलब होता है आप लोगों का बाई प्रोडक्ट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट मतलब अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अगर आप किसी डेयरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ दूध का मतलब डेयरी इंडस्ट्री में जहाँ पर आपका पनीर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, पनीर का प्रोडक्शन हो रहा है, उस पनीर के प्रोडक्शन के साथ साथ अगर वहाँ पर दही का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, कर्ड भी बन रहा है, तो कर्ड भी आपका, कर्ड क्या कहलाएगा, आपका सह उत्पाद कहलाएगा। मेन जो है तो पनीर ही रहेगा, लेकिन साथ में जो चीज और एक्स्ट्रा बन रही है वो बाय प्रोडक्ट कहलाते हैं। मैम आपका आवाज बहुत गूंज रहा है, समझ नहीं आ रहा। अभी ठीक है, देखो आप ठीक है। अब ठीक से आ रही है आवाज? हाँ सौरभ, नीलम, मैं क्या बता रही थी कि सह उत्पाद मतलब वो चीजें जो बाय प्रोडक्ट होती हैं। बाय प्रोडक्ट मतलब जो चीज साथ में बनती है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जैसे कमल सॉल्वेंट हम लोग गए थे, कमल सॉल्वेंट में आप लोग को याद होगा कि कमल सॉल्वेंट में मेन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या चीज का प्रोडक्शन था, तेल का प्रोडक्शन। लेकिन अगर तेल के साथ साथ वहां पर वैक्स भी बन रहा था, मोम भी बन रहा था, जो हम लोगों ने देखा था, तो वो जो मोम जो बन रहा था, वैक्स जो बन रहा था, वो एक्चुअली क्या कहलाएगा, वो सह उत्पाद कहलाएगा, बाय प्रोडक्ट। मेन तो वहाँ ऑयल ही था हमारा जो मेन प्रोडक्शन में था, लेकिन साथ वहां पर हम लोगों का वैक्स भी बनकर तैयार हो रहा था, तो वैक्स जो है वो सह उत्पाद हो गया, जो साथ में उत्पादित हो रहा है, जो ठीक है साथ में वो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है।
मोलेसेस जो है ये क्या होते हैं, मोलेसेस जो है एक बाय प्रोडक्ट है, किसका बाय प्रोडक्ट होते हैं इसको देख लेते हैं। ये शुगर केन मोलेसेस यूजुअली होता है। शुगर केन मतलब आप लोग का जब शक्कर का प्रोडक्शन होता है, शुगर केन यूज किया जाता है, तब उसमें मोलेसेस एक बाय प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है। शुगर केन मोलेसेस के साथ साथ आप लोगों का शुगर बीट का भी मोलेसेस होता है। आप लोग शुगर बीट को जानते ही होंगे, शुगर बीट या फिर आपका शुगर केन, इन दोनों का मोलेसेस होता है यूजुअली। शुगर केन और शुगर बीट के जो मोलेसेस होते हैं ये एक्चुअली दिखने में कैसे होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये दिखने में होते हैं आपका चॉकलेट सिरप के जैसे दिखते हैं ये, ठीक है। शुगर बीट की अगर बात की जाए तो शुगर बीट इज नथिंग बट एक शलजम के जैसे जो दिखाई देता है वही होता है। आप लोग बीट रूट भी बोलते हैं जिसे, उस टाइप का ही होता है ये, लेकिन एटलीस्ट ये कंप्लीट बीट रूट नहीं होता है ये। आप लोगों का शलजम के जैसे मूली जैसे जड़े होती हैं उस प्रकार का होता है, लेकिन ये चुकंदर के जैसे प्रॉपर नहीं दिखता है, ये व्हाइट होता है, रेड नहीं होता है। तो वो जड़ वाली चीज ही है शलजम जो खाते हैं हम लोग, उस टाइप का शुगर बीट होता है। तो शुगर बीट से भी मोलेसेस बनता है और शुगर केन से भी मोलेसेस बनता है, और ये दोनों का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो शुगर होता है। इन दोनों से मेनली शुगर बनता है, मतलब शक्कर जो है मेन बनती है, लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में जो मोलेसेस है ये भी बनता है। तो मोलेसेस को यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में, क्योंकि मोलेसेस जो है वो क्या है आप लोगों का, इस मोलेसेस में सुक्रोज 48% सुक्रोज जो है उपस्थित होता है। आपको कार्बन का सोर्स चाहिए हो ना, सुक्रोज एक कार्बन का सोर्स हो गया, ठीक है। 48% सुक्रोज होता है इसमें आपके शुगर बीट में। अगर शुगर बीट की बात की जाए तो उसमें 48% सुक्रोज होता है, और वही दूसरी तरफ अगर शुगर केन मोलेसेस की बात की जाए तो शुगर केन में 48 होता है। शुगर केन जो होता है उसमें 48% सुक्रोज होता है, और शुगर बीट में आपका 33%, शुगर बीट में 33%, ठीक है। और ये जो आपके मोलेसेस होते हैं जो कि बाय प्रोडक्ट है शुगर बीट या फिर शुगर केन का, इनका ये जो मोलेसेस है ये बहुत अच्छा सोर्स और चीपेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, बहुत सस्ते सोर्स के रूप में जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट के, इसलिए इसे भी यूज किया जाता है। क्योंकि हमको बजट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम कोई चीज बनाना चाह रहे हैं, मीडिया बनाना चाह रहे हैं, तो हमको बजट भी ध्यान में रखकर चलना है कि हमको कोई एकदम ज्यादा महंगी चीज भी यूज नहीं करें। तो चीपेस्ट सोर्स के रूप में भी माना जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट का। इन्हें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। बिसाइड बीइंग रिच इन शुगर, मोलेसेस आल्सो कंटेन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, विटामिन्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। अब इसका एक और फायदा भी है इसे यूज करने का कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में सुक्रोज तो है ही है, इसके साथ ही जो आपका मोलेसेस है, मोलेसेस में आपके नाइट्रोजन के सोर्स भी उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन भी उपस्थित रहता है, और कुछ कुछ जो है ट्रेस एलिमेंट जो जरूरी रहते हैं मीडिया के लिए वो भी रहता है। इसमें नाइट्रोजन भी मिल जा रहे हैं आप लोगों को, और इसमें आपके ट्रेस एलिमेंट जो जरूरी होते हैं वो भी आपको मिल जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुआ ही हुआ, बहुत अच्छा सोर्स हो गया। हमको तो चाहिए ऐसा जो सस्ता भी हो और आपका हर चीज उसको मिल भी जाए। तो सस्ता तो चीपेस्ट सोर्स के रूप में तो है ही है मोलेसेस, साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट सुक्रोज भी है, नाइट्रोजन भी है, ट्रेस एलिमेंट्स भी है, और साथ ही साथ कुछ विटामिन भी आप लोगों के आए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसलिए सबसे ज्यादा प्रिफर करने जाने वाला आप लोगों को कार्बन सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। देयर अकर वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ द मोलेसेस विच मोस्टली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ, लेकिन एक चीज है कि इसमें वेरिएशन होता है कंपोजिशन में मोलेसेस के। अगर अलग अलग सीजन में जैसे ठंड के समय में मोलेसेस अलग टाइप का रहता है, सीजन के ऊपर जो है अलग अलग वेरिएशन आ जाते हैं। ठंड के समय में जो मोलेसेस रहता है उसका क्वालिटी अलग रहता है, गर्मी के टाइम में जो मोलेसेस रहता है उसका टाइम अलग रहता है, उसका क्वालिटी अलग रहता है। तो वेरिएशंस पाए जाते हैं आपके मोलेसेस के कंपोजिशन में। हो सकता है ठंड के टाइम में जो मोलेसेस मिलता हो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो अच्छा होता हो लेकिन नाइट्रोजन अच्छा ना होता हो। तो इनका जो कम्पोजिशन है, इतनी सारी चीजें के साथ साथ इसमें सुक्रोज ये मेन एलिमेंट है, इतनी सारी चीजें रहती है, लेकिन अगर सीजन टू सीजन जो मोलेसेस आते हैं उन मोलेसेस में जो है इनमें से कोई भी कम्पोजिशन
जो है या तो घट सकता है या तो कम हो सकता है, सीजन टू सीजन डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस अ बाय प्रोडक्ट इन ग्लूकोज प्रोडक्शन फ्रॉम कॉर्न इज आल्सो यूज्ड एज अ फर्मेंटेशन सब्सट्रेट। ये हाइड्रोलिसिस करके एक आता है जो एक प्रकार का मोलेसिस है, लेकिन ये मोलेसिस जो है आपका शुगर के लिए शुगर बीट वाला नहीं है। हाइड्रोल मोलेसिस जो मोलेसिस है ये कहाँ से आया मैं बता रही हूँ, ये आपका जब भुट्टे से शक्कर बनाया जाता है ना, कॉर्न से जब शुगर बनाया जाता है तो उसमें से जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोल मोलेसिस बनता है, ठीक है। शुगर वाले का बाय प्रोडक्ट यूजुअली मोलेसिस ही रहता है, लेकिन कॉर्न से अगर आप बना रहे हैं तो आप हाइड्रोल मोलेसिस करता है वो। ये हाइड्रोल मोलेसिस जो है ग्लूकोज का जब प्रोडक्शन हम लोग करते हैं कॉर्न से, सॉरी शुगर लिख गया मैं, ग्लूकोज का प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं जब हम भुट्टे से ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज जब बनाते हैं हम लोग भुट्टे से, तो उस समय ये जो है हाइड्रोल मोलेसिस ये एक सह उत्पाद के रूप में मतलब बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका बनता है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट के रूप में एक बार ये भी बनता है और इसे भी फर्मेंटेशन के सब्सट्रेट के रूप में यूज किया जा सकता है। तो नॉर्मल मोलेसिस के साथ साथ हाइड्रोमोलेसिस को भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक ये पहला हुआ कार्बन सोर्स के रूप में सब्सट्रेट के, सब्सट्रेट यूज एज कार्बन सोर्स। हम क्या देख रहे हैं अभी कि सब्सट्रेट के रूप में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं कार्बन सोर्स के रूप में। तो पहला हमने देखा मोलेसिस, अब हम नेक्स्ट देखेंगे माल्ट एक्सट्रैक्ट। माल्ट एक्सट्रैक्ट क्या है उसे देखते हैं। आप लोगों को भी बहुत सारे अनाज का नाम सुना होगा, उनमें से एक जौ होता है, बार्ले बोलते हैं जिसे इन इंग्लिश, जौ का आटा, लोग जौ आप लोगों ने सुना होगा, तो बार्ले मतलब जौ होता है। तो इससे माल्ट एक्सट्रैक्ट हम लोगों का सेकंड नंबर है ना, पहला मोलेसिस पर, दूसरा है आप लोगों का माल्ट एक्सट्रैक्ट। ये जो माल्ट एक्सट्रैक्ट है एन एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ माल्टेड बार्ली कंटेन्स अबाउट 80% कार्बोहाइड्रेट। ये जो है आप लोगों का जो जौ होता है, जो जौ के दाने जो होते हैं, जौ के दाने का जो है आप लोग का एक्वस एक्सट्रैक्ट है, मतलब उसे उसको पानी में भिगा कर जो उसका कच्चा माल बनाया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पूरा पानी में भिगो कर जो उसे निचोड़ा जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, वो आपका माल्ट एक्सट्रैक्ट कहलाता है। जौ को भिगा कर जो पूरा निचोड़ कर जो एक्वस सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, जो पानी निकाला जा रहा है, वो आपका माल्ट एक्सट्रैक्ट कहलाता है। और इसमें लगभग आपका होता है 80% कार्बोहाइड्रेट, इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इसमें उपस्थित है, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी। तो 80% कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, जिसमें 80% कार्बोहाइड्रेट में आपका ग्लूकोज भी होता है, इसी में फ्रक्टोज। देखो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज भी आता है, फ्रक्टोज भी आता है, सुक्रोज भी आता है, माल्टोज भी आता है, हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ है ये सब चीजें, ठीक है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है। तो ये जो 80% जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें उपस्थित, इसमें माल्ट एक्सट्रैक्ट में, जिसको माल्ट एक्सट्रैक्ट कहां से निकला है, ये जो जौ रहता है, जौ के दाने को हमने पूरा भिगा कर उसको पूरे एक्सट्रैक्ट कर लिया, पूरे निचोड़ कर निकाल लिया एक्सट्रैक्ट, और वो ही हमारा माल्ट एक्सट्रैक्ट कहला रहा है। एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना होगा, ठीक है। तो ये उसमें 80% कार्बोहाइड्रेट आपको उपस्थित होता है। इस 80% कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये चारों चीजें होती हैं। इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड लगभग 4.5% नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो है उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है उपस्थित रहते हैं इसमें 4.5%, और इस नाइट्रोजन के कंपाउंड में आपके प्रोटीन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, ये सभी चीजें इसमें उपस्थित रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ माल्ट एक्सट्रैक्ट जो सेकंड नंबर का था, ये भी यूज करते हैं हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में कार्बन सोर्स के लिए। अब तीसरा नंबर पे है आपका, थर्ड नंबर पे है आपका स्टार्च, डेक्सट्रिन एंड सेलुलोज। स्टार्च, डेक्सट्रिन एंड सेलुलोज,
स्टार्च डेक्सट्रीन सेलुलोज में देखते हैं, दस पॉलीसेकेराइड स्टार्च डेक्सट्रीन एंड सेलुलोज कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेटाबोलाइज कर सकते हैं। दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इन्हें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इन्हें सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है किसके लिए, आपके अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ड्यू टू इट्स वाइड अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, इनका कॉस्ट के मामले में अगर कीमत के मामले में कॉस्ट के मामले में बात की जाए तो लो कॉस्ट होता है इसका, कम सस्ते में मिल जाता है हम लोगों को। और इनका जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, बहुत तो बड़ी उपलब्धता, मतलब अच्छी खासी मात्रा में हम लोगों को हर जगह मिल जाते हैं। और इनका जो रेट है वो भी कम रहता है कॉस्ट वाइज की बात की जाए तो लो कॉस्ट भी रहता है। तो द यूज ऑफ सेलुलोज फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन इज एक्सटेंसिवली स्टडी, कभी भी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब लोग रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो सेलुलोज को स्टडी करते हैं कि सेलुलोज को यूज करके किस प्रकार से हम लोग अल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं। ये आज के डेट में सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है स्टडी के लिए। स्टार्च और डेक्सट्रिन तो यूज करते ही है, लेकिन सबसे ज्यादा सेलुलोज की स्टडी की जाती है क्योंकि बहुत बात है बाद में स्टार्ट। ये भी आपके कार्बन के सोर्स के रूप में हम यूज करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका वे। अब ये वे क्या होता है ये भी बता देती हूँ। वे क्या है, वे इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। जो डेयरी इंडस्ट्री रहती है जहाँ पर दूध के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि अमूल का ही आप इंडस्ट्री जाओगे, बड़ा सा रहेगा, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है उसका तो गुजरात में है अमूल का। और वहाँ पर बहुत सारे अमूल के कितने प्रोडक्ट आते हैं आप सब जानते हैं, दूध भी आता है, दही भी आता है, मक्खन भी आता है, व्हाइट मक्खन, सॉल्टेड मक्खन, फिर उसका आपका मिष्टी दही, बहुत बनता है, सह उत्पाद बनता है, उसे हम वे कहते हैं। ये जो है डेयरी इंडस्ट्री का सह उत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है, एंड इज प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड। इसे पूरे विश्व में हर जगह जो है ये प्रोड्यूस होता ही है। मोस्ट ऑफ इट इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इसे यूज किया जाता है, कई लोग खाने में यूज करते हैं इंसानों के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा भी यूज किया जाता है इसे। वे इज अ रीजनेबली गुड सोर्स ऑफ कार्बन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, सिंगल सेल प्रोटीन, विटामिन B12, लैक्टिक एसिड एंड जिबरेलिन। अब जिबरेलिक एसिड, अब ये जो वे है ये इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि पॉइंट नंबर वन, एक तो ये सह उत्पाद है, इसको अलग से प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, डेयरी इंडस्ट्री का ये सह उत्पाद है, बनेगा ही बनेगा। दूसरी चीज, ये कॉस्ट वाइज भी लो रहता है इनका कॉस्ट, ये वर्ल्ड वाइड हर जगह उपलब्ध है, ठीक है, बनेंगे ही बनेंगे, इसे एनिमल्स भी खा सकते हैं, ह्यूमंस भी खा सकते हैं, ये भी अच्छी चीज है। और दैट टू, इनका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो किया जाता है अल्कोहल के प्रोडक्शन में, विटामिन B12 के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, और फिर आपका हो गया सिंगल सेल प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, इन सब के प्रोडक्शन का जहां पर इंडस्ट्री होता है वहां पर इस वे को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, एज अ सबस्ट्रेट फॉर कार्बन सोर्स यूज, एज कार्बन सोर्स इसे यूज किया जाता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ वी इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर इट्स वाइड स्प्रेड यूज इन फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज। हाँ, लेकिन इसका एक जो लिमिटेशन है, मतलब वो सीमा है, सीमितता है, वो ये है, इसको स्टोर करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए जहाँ ठंडक हो, ठंडी जगह में जल्दी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वे जो है आप लोगों का थोड़ा सा सेंसिटिव है इस मामले में। आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद मैं हर एक चीज की फोटोज भेजूंगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए।
वे जो है अगर बात की जाए तो एक लिक्विड होता है ना, अभी ये भी बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों का, आप लोग दही जमाते होंगे घर में जब आप दही जमाते तो नोटिस किए कभी कि जो अच्छा दही का जो कतरा कतरा जमा होता है वो नीचे रहता है, ऊपर जो है वो पानी पानी आ जाता है। तो वो जो पानी रहता है ना वो ही वे है, ठीक है, वो जो वो है ना वो ही वे है, और कुछ दूसरा चीज नहीं है। जो आप लोग मतलब ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर ये क्या है करके, तो ऐसा और कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है ये। आप लोगों का जो है बाय प्रोडक्ट है ये, तो इसको आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। कर्डल्ड मिल्क रहता है, मिल्क हैज बीन कर्डल्ड एंड स्ट्रेन, जो दही का जो पानी रहता है, या फिर जब हम लोग पनीर बनाते रहते हैं, या फिर तो फिर दूध को पहले आप लोग क्या करते हैं, दूध को फाड़ने के लिए आप क्या करते हैं, पूरा नींबू निचोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको और अच्छे से पकाते हैं, फिर दूध पूरा कर्डल हो जाता है, तो आप उसको पूरे कपड़े में, मलमल के कपड़े में डाल कर आप उसको टंगा के रख देते हैं, तो जो पूरा पानी बहता है वो जो पानी रहता है वो वी कहलाता है, वी WH1, ठीक है, उसमें थोड़ी सी खटास रहती है, तो उसे भी यूज किया जाता है इन सब चीजों के प्रोडक्शन के लिए। वो भी हमारे कार्बन का बहुत बड़ा सोर्स होता है जिन्हें हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आपका जो मिथेनॉल है और जो इथेनॉल है उसे यूज करते हैं आपके कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो, तो फिफ्थ नंबर पे हम यहाँ लिखेंगे मिथेनॉल और इथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल और इथेनॉल को हमारे जो कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं ये इन्हें यूटिलाइज कर देते हैं या एज ए कार्बन सोर्स के रूप में इन्हें वो लेते हैं। तो जब इन्हें वो कार्बन सोर्स के रूप में ले रहे हैं मिथेनॉल और इथेनॉल, तो क्यों ना हम इन्हें भी यूज करें। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मिथेनॉल इज द चीपेस्ट सबस्ट्रेट फॉर फर्मेंटेशन, ये भी एक चीपेस्ट सबस्ट्रेट के रूप में, सस्ते सबस्ट्रेट के रूप में फर्मेंटेशन के लिए बहुत फेमस है मिथेनॉल भी। However, it can be utilized by only a few bacteria needs. हाँ, लेकिन एक सीमा है इसकी, एक सीमितता है कि मिथेनॉल को जो है कुछ ही बैक्टीरिया या फिर कुछ ही सूक्ष्म जीव है जो कार्बन सोर्स के रूप में यूज करते हैं। तो जो कुछ बैक्टीरिया इन्हें यूज करते हैं या कुछ खमीर जो होते हैं, ईस्ट जो बोलते हैं, वो ही इसे यूज करते हैं। कुछ ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया ये दोनों ही यूज करते हैं ना, हर कोई यूज नहीं करता इन्हें। तो ये दोनों ही कुछ कुछ बैक्टीरिया और कुछ ईस्ट ही मिथेनॉल को कार्बन सोर्स के रूप में यूज करते हैं, तो उसके लिए ही हम इसे यूज कर सकते हैं ना, बाकी के लिए हम यूज नहीं कर सकते। मिथेनॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। अगर बात की जाए किसके प्रोडक्शन में यूज होता है इसके लिए, तो सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए इन्हें यूज किया जाता है मिथेनॉल को। और इथेनॉल की अगर बात की जाए, इथेनॉल की, तो इथेनॉल जो है एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है कि एक्सपेंसिव है, तो हाउएवर एट प्रेजेंट इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। लेकिन फिर भी इसके महंगे रहने के बावजूद भी इसे जो है एसिटिक एसिड बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए इथेनॉल को यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा मिथेनॉल, लेकिन मिथेनॉल के साथ प्रॉब्लम भी है कि मिथेनॉल को हम लोग सिर्फ उस चीज के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं जिसे वो बैक्टीरिया कंज्यूम करता हो, मिथेनॉल को, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई आप लोगों का कार्बन सोर्स के रूप में कौन कौन से सब्सट्रेट यूज किए जा रहे हैं, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया सब्सट्रेट, ये तो कार्बन सोर्स था। कार्बन सोर्स के रूप में हम क्या क्या यूज करते हैं, अब हम देखेंगे कि हम नाइट्रोजन सोर्सेस के रूप में क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। सब लोग नोट डाउन कर करके रखिए।
सबस्ट्रेट यूज्ड एज नाइट्रोजन सोर्स. ठीक है, सबस्ट्रेट यूज्ड एज नाइट्रोजन सोर्स मतलब अब कौन सा सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं नाइट्रोजन सोर्स के रूप में. जैसे कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट कौन सा सबस्ट्रेट यूज कर रहे थे, कार्बन के सोर्स के रूप में, तो हमने मोलेसेस यूज किया, माल्ट एक्सट्रैक्ट यूज किया, वे यूज किया, मिथेनॉल और इथेनॉल यूज किया, हम कार्बन सोर्स के रूप में उसे यूज किए. अब हम उन सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम नाइट्रोजन सोर्स के लिए यूज कर रहे हैं. तो नाइट्रोजन सोर्स के रूप में नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्मेंटेशन के लिए. तो नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में हम सबसे पहले यूज करेंगे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स के रूप में. क्या यूज करेंगे देखते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स. इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स की अगर बात की जाए तो अमोनियम सॉल्ट्स और फ्री अमोनिया, ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा सस्ती और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स के रूप में इन्हें यूज किया जाता है. ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में यूज किया जाता है, सभी जगह पे इन्हें यूज नहीं करते, उन्हीं जगह पे यूज करते हैं जहां पर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चलती है. हाउएवर नॉट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग देम, हेंस देयर इज यूज इन लिमिटेड, यूज इन इज लिमिटेड. हाँ, एक चीज है, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स के रूप में, अमोनिया. आप लोग का अमोनियम सॉल्ट एंड फ्री अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट एंड फ्री अमोनिया, हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं किस चीज के रूप में, नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में. हम इन्हें यूज करके इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं ना, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं फ्री अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट को. ये जो है सस्ते प्रोडक्ट हैं, सस्ते चीजें हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि हर सूक्ष्म जीव इन्हें आपका यूटिलाइज नहीं कर सकता, हर सूक्ष्म जीव इन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकता. जिस प्रकार से मिथेनॉल और इथेनॉल को हर सूक्ष्म जीव यूटिलाइज नहीं कर सकता था, इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि अमोनियम सॉल्ट और फ्री अमोनिया को हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसलिए इनका जो यूज है बहुत लिमिटेड है. हालांकि इन्हें फिर भी बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं, वो जहां पर यूज हो रहे होंगे इन्हें यूज करते होंगे वहां पर. ठीक है, तो ये आपका हुआ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स के रूप में अमोनियम सॉल्ट और फ्री अमोनिया. फिर है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स देखते हैं, अकार्बनिक अब कार्बनिक देखेंगे. ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स के रूप में सबसे पहली चीज है वो है आपका यूरिया. यूरिया इज अ फेयरली अ गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, हाउएवर अदर चीपर हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स के रूप में हमने अमोनियम सॉल्ट और फ्री अमोनिया यूज किया था. अब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स के रूप में जो सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स होता है वो होता है यूरिया. ठीक है, यूरिया जो है आप लोगों का अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन का और गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी इससे भी सस्ते और सस्ते जो है सोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन यूरिया भी अच्छा है, यूरिया भी चीपर में आता है, तो इन्हें इसे भी यूज किया जाता है. और इस लेकिन होता क्या है कि इससे और सस्ते और चीप क्या बोलते हैं सोर्स हैं नाइट्रोजन के, इसलिए उसे ज्यादा प्रिफर किया जाता है ना कि यूरिया को. लेकिन फिर भी ये एक एग्जांपल है, इसलिए पहले मैंने बता दिया इसको. अब इसके बाद है कॉर्नस्टिप लिकर करके, कॉर्नस्टिप लिकर एक होता है सोर्स. कॉर्नस्टिप लिकर क्या होता है ये बता देती हूँ पहले.
कॉर्न स्ट्रिप लिकर क्या होता है? दिस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्टार्च प्रोडक्शन फ्रॉम कॉर्न. जब हम भुट्टे से स्टार्च का निर्माण करते रहे कॉर्न से. कॉर्न मतलब आपका क्या हुआ? भुट्टा. भुट्टे से जब हम स्टार्च का निर्माण करते रहते हैं उस समय जब है इसका प्रोडक्शन होता है. कॉर्न से जब हम स्टार्च का प्रोडक्शन करते रहते हैं तब उस समय जो है कॉर्न इसका फॉर्मेशन होता है बाय प्रोडक्ट के रूप में. कॉर्न स्ट्रिप लिकर इज रिच इन नाइट्रोजन. ये इसमें जो है अच्छा खासी मात्रा में 4% ऑलमोस्ट आपका नाइट्रोजन होता है एंड इज वेरी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म्स. और इसे इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि ये जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इसे जो है अच्छे से यूटिलाइज करते हैं यूज करते हैं और इनमें 4% जो है आपका नाइट्रोजन उपस्थित होता है और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स भी इसे अच्छे से यूटिलाइज करते हैं. और इट इज रिच इन सेवरल अमीनो एसिड. इनमें अमीनो एसिड की मात्रा भी अच्छी खासी होती है जैसे कि एलेनाइन, वेलाइन, मेथियोनिन, आर्जिनिन, थियोनिन, ग्लूटामेट. ये आपके कुछ कॉन्स्टिप लिकर के में पाए जाने वाले अमीनो एसिड. अब एक यूरिया हुआ, दूसरा आपका कॉन्स्टिप लिकर हुआ. अब तीसरा जो है आपका वो है आपका ईस्ट एक्सट्रैक्ट. ईस्ट एक्सट्रैक्ट आप लोग ईस्ट एक्सट्रैक्ट यूज भी किया. ईस्ट पाउडर लेकर आए थे ना तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट मतलब आपका ईस्ट का ही एक्सट्रैक्ट जो होता है उसे बोलते हैं ईस्ट एक्सट्रैक्ट. तीसरे नंबर पे उसे भी यूज करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्सेस के रूप में. दे कंटेन अबाउट 8% नाइट्रोजन एंड दे आर रिच इन अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड विटामिन. ग्लूकोज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लाइकोजन एंड टेरालोज ड्यूरिंग ईस्ट एक्सट्रैक्शन इज ए गुड कार्बन सोर्स. ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेकर्स ईस्ट थ्रू ऑटोलाइसिस और थ्रू प्लाज्मोलिसिस. ईस्ट एक्सट्रैक्ट आर वेरी गुड सोर्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स. ईस्ट एक्सट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज उद्योगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन का. इसमें आपका 8% जो है नाइट्रोजन उपस्थित होता है. 8% नाइट्रोजन और साथ ही साथ जो है इसमें बहुत से अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड, पेप्टाइड, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स और विटामिन्स. उपस्थित होते हैं. ठीक है, तो ये एक चीज थी आप लोगों की. और दूसरी चीज ये कि ये इसमें जो है आप लोगों का कार्बन का सोर्स भी बहुत अच्छा होता है. इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन के सोर्स के रूप में भी ये बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए भी ईस्ट एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है. इसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ आज का ये हम लोग का फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा. ये वाला जो मीडिया फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन ये टॉपिक खत्म हो जाए. इसमें दो चीजें बस बची हुई है. तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स के रूप में एक हमने यूज किया यूरिया, दूसरा हमने यूज किया कॉर्न स्ट्रिप लिकर. कॉर्न स्ट्रिप लिकर क्या होता है? जब हम लोग भुट्टे से स्टार्च का निर्माण करते रहते हैं तब इसका प्रोडक्शन होता है एज ए बाय प्रोडक्ट, तो उसे भी हम यूज करते हैं. इसमें 4% नाइट्रोजन उपस्थित होता है और साथ में कुछ अमीनो एसिड भी होते हैं, तो ये अच्छा सोर्स है. तीसरे नंबर पे ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है जो बहुत अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का. 8% नाइट्रोजन इसमें उपस्थित होता है. इसके साथ ही अमीनो एसिड भी और पेप्टाइड और विटामिन ये सभी इसमें उपस्थित होते हैं. इसके अलावा जो है दो और चीजें हैं जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स के रूप में यूज होता है. एक है सोया मील और उसके बाद है पेक्टोन्स. उसको भी बता देती हूँ. ऑर्गेनिक वाला ही चल रहा है ना अभी. इनऑर्गेनिक में सिर्फ दो चीजें थी, ऑर्गेनिक में 4-5 चीजें हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनिक में आप लोगों का 3 चीजों के बाद चौथी चीज है आपका सोया मील. सोयाबीन आफ्टर एक्सट्रैक्शन द सोयाबीन ऑयल फ्रॉम द सोयाबीन सीड्स द लेफ्ट आउट रेसिड्यूज इन सोयाबीन इट इज रिच इन प्रोटीन. सोयाबीन आप लोग तो जान ही रहे होंगे. सोयाबीन से जब सोयाबीन का तेल पूरा निकाल लिया जाता है, सोयाबीन का तेल भी मिलता है आप तो जानते ही होंगे, तो सोयाबीन का जब तेल पूरा निकाल लिया जाता है सोयाबीन की के बीजों से, तो सोयाबीन के बीज से जब तेल निकालने के बाद जब पूरा जो लेफ्ट ओवर बच जाता है, जो बची हुई चीज बचती है आपके बीज की, वो आपका क्या कहलाता है? सोया मील कहलाता है. वही आपका
ठीक है, सोया मिल उसी को ही बोलते हैं, और इसमें जो है अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन रहता है, अराउंड 50% जो है आपका प्रोटीन उपस्थित रहता है, और साथ ही साथ इसमें जो है आप लोगों का 50% प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट, 30% आपका कार्बोहाइड्रेट इसमें उपस्थित होता है। तो देखो कितना अच्छा सोर्स है, इसमें प्रोटीन भी हमको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी हमको मिलेगा अच्छी मात्रा में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में है इसमें। सोया मील इज ऑफन यूज इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, और इसे सबसे ज्यादा अगर यूज किसमें किया जाता है बोला जाए तो इसे यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए, जहां दवाइयां बनती हैं वहां पर एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए इन्हें यूज किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद ये हुआ सोया मील। पांचवें नंबर पे आता है आपका पेप्टोन। पेप्टोन आप लोग यूज करते हैं ना मीडिया बनाने के लिए, यहाँ पर भी देखो पेप्टोन का ही बात बताया जा रहा है, मीडिया बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है करके। पेप्टोन्स द प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट, हाइड्रोलाइजेट्स आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज पेप्टोन्स एंड दे आर गुड सोर्सेस फॉर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ये पेप्टोन होते हैं ये एक्चुअल में प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्स उपस्थित होता है। ये क्या होते हैं एक्चुअल में, प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट्स, ठीक है, और ये इस प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा इनमें होती है, और इसी की वजह से ही इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स होता है ग्रोथ का, क्योंकि हमको मीडिया ऐसा बनाना है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छा ग्रो कर सके, ठीक है। तो अच्छा ग्रो तभी करेंगे जो प्रोटीन अच्छा सोर्स होता है, प्रोटीन जो है बहुत अच्छी मात्रा में पेप्टोन में उपस्थित होता है, तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बहुत अच्छा चीज है ये। द सोर्सेज फॉर पेप्टोन इंक्लूड मीट, सोया मील, पीनट सीड्स, कॉटन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड। अब आप पूछेंगे कि तो ये पेप्टोन किसमें उपस्थित होता है, अगर बात करें तो पेप्टोन जो आप लोग यहाँ मीडिया बनाने के लिए तो प्रॉपर पेप्टोन के रूप में आता है, लेकिन पेप्टोन अगर और किसमें उपस्थित होता है अगर आप पूछेंगे तो सोया मील में भी पेप्टोन उपस्थित होता है, ठीक है, सोया मील में उपस्थित होता है पेप्टोन। इसके साथ साथ आपके जो कपास के जो बीज होते हैं कॉटन सीड्स होते हैं, कॉटन सीड्स में उपस्थित होते हैं, सनफ्लावर सीड्स में भी होते हैं, कॉटन सीड्स में भी होते हैं। कॉटन सीड्स मतलब आपके जो कपास के जो बीज होते हैं उनमें भी आपका जो सनफ्लावर मतलब जो सूरजमुखी के जो बीज होते हैं जिससे तेल बनता है उसमें भी पेप्टोन उपस्थित होता है। किसमें किसमें हो गया, तो आपका सनफ्लावर सीड में, सनफ्लावर सीड, आपका सोयाबीन सीड, सोयाबीन सीड या फिर सोया मील, और आपका किसमें है कॉटन सीड्स, कॉटन सीड्स हो गया, सोयाबीन सीड्स हो गया आप लोगों का, और आपका सनफ्लावर सीड हो गया, पीनट, पीनट मतलब आपका पीनट अगर बात की जाए तो मूंगफली, ठीक है, पीनट में भी उपस्थित होता है आपका पेप्टोन। तो इतनी सारी चीजों में पेप्टोन उपस्थित होता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो द सीड्स उसके अलावा जो प्रोटीन नेमली केसिन, जिलेटिन एंड केराटिन कैन आल्सो बी हाइड्रोलाइज्ड टू यील्ड पेप्टोन्स। पेप्टोन्स के अंदर आपको जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है पेप्टोन, तो प्रोटीन अगर हमको निकालना है इनमें से तो कौन सा प्रोटीन निकलेगा, कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है अगर बात की जाए तो आपका जिलेटिन उपस्थित होता है, जो हम लोग बायोरेट टेस्ट में यूज किए थे आप लोग को याद होगा, जिलेटिन यूज होता, जिलेटिन हम इसमें से हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, केराटिन निकाल सकते हैं, केसिन निकाल सकते हैं। तो ये पेप्टोन भी हमारा बहुत अच्छा सोर्स है, और इसमें नाइट्रोजन के भी बहुत अच्छे सोर्स रहते हैं। प्लांट के सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो आपके एनिमल में सबसे ज्यादा पेप्टोन्स में, देखो प्लांट में भी आपके कुछ पेप्टोन्स पाए जाते हैं, एनिमल में भी पेप्टोन्स पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल्स में जो पेप्टोन्स पाए जाते हैं उनमें ज्यादा नाइट्रोजन रहता है, तो नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में ये बहुत अच्छी चीज है। पेप्टोन्स आर रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव हेंस नॉट वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज, लेकिन पेप्टोन के साथ प्रॉब्लम ये है कि पेप्टोन्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इनके एक्सपेंसिव होने की वजह से अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए उद्योगों में पेप्टोन्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है अभी भी,
अभी भी थोड़ा सा कम ही यूज है, क्योंकि पेप्टोन्स जो है थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ पेप्टोन्स, जो आप लोगों का यहाँ पर नाइट्रोजन के सोर्स कंप्लीट हुआ। अब ये तो हमने देख लिया कि कार्बन के सोर्स के रूप में क्या क्या यूज होता है देख लिया, नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में क्या क्या यूज होता है ये भी देख लिया। अब एक चीज बस इसमें बची है कि ये तो आपने नाइट्रोजन के रूप में डाल दिया, नाइट्रोजन के लिए ये डाल देते हैं, कार्बन के लिए ये डाल देते हैं, लेकिन अगर आपको और अच्छी ग्रोथ लाना है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसके लिए आप सोर्सेस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स है, एक जिसमें आप अच्छा से ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो आपके मीडिया में आपको एक ऐसी कुछ चीजें ऐसी भी डालनी होंगी जो ग्रोथ फैक्टर्स होंगी, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा अच्छे से हो। तो ग्रोथ फैक्टर्स के रूप में यूजुअली जैसे कि पीटीसी का मीडिया बनाते हैं एमएस मीडिया, तो एमएस मीडिया में भी ग्रोथ फैक्टर्स डाले जाते थे, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सब हार्मोन्स डालते थे। वैसे ये जो इंडस्ट्रियल आपके मीडिया रहते हैं, इनमें भी आपके ग्रोथ फैक्टर्स डाले जाते हैं जो कि बहुत महंगे रहते हैं। तो हेंस क्रूड सोर्स आज प्रिफर्ड, इसलिए क्रूड सोर्स आजकल प्रिफर किए जाते हैं जो एकदम आर्टिफिशियल मीडियस रहते हैं। ईस्ट एक्सट्रैक्ट इज रिच सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ग्रोथ फैक्टर्स। ईस्ट एक्सट्रैक्ट अगर की बात की जाए तो वो भी ग्रोथ के सोर्स के रूप में अच्छा होता है, जिसको डालने से मीडिया में ग्रोथ का ग्रोथ अच्छा होता है। जनरली द सबस्ट्रेट डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेस इज क्रूड फॉर्म आर रीजनेबली रिच इन मिनरल कंटेंट, समटाइम हाउएवर मिनरल सप्लीमेंटेशन कैन मे बी रिक्वायर्ड। देखिए इसमें अल्टीमेटली बात ये हो रही है कि हम लोगों को हमारे मीडिया को ऐसा बनाना है कि उसमें ग्रोथ बहुत अच्छा हो, क्योंकि ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है तो कोई सेंस ही नहीं बनता। आप लोग यहाँ पर भी जब बैक्टीरियल कल्चर करते हैं तो आप मीडिया बनाते हैं, मीडिया बनाने के बाद जब आप इनोकुलेशन कर देते हैं, फिर आप इंक्यूबेटर में रख देते हैं 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के बाद आप आके देखेंगे, अगर एक भी आपको सिंगल डॉट भी नहीं दिखा बैक्टीरिया का, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका पूरा मेहनत बेकार जाएगा। तो अल्टीमेटली हम इतने सारे सोर्सेस के बारे में कि हमको मीडिया में ये चीज डालना चाहिए, हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज कि हमको ग्रोथ अच्छा चाहिए। तो हम ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे मीडिया के लिए क्या क्या चीजें लगती है ये हमारा हमने देखा अभी। इसी के साथ ही आपका मीडिया फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग का लास्ट सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, एयर एंड मीडिया स्टरलाइजेशन, उसके बाद आप लोग का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं देखती हूँ कल आप लोगों को यही पढ़ा दूंगी, एनवायरमेंटल बायोटेक नहीं पढ़ाऊंगी, कल आप लोगों को मैं एयर एंड मीडिया स्टरलाइजेशन ही पढ़ा दूंगी। अभी सबको क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? नो डाउट, किसी को कुछ पूछना है? सबने नोट किया, नोट डाउन किया सब चीजों को? यस मैम। सौरभ नोट डाउन किया? यस मैम। ठीक है, चलो फिर अभी सब लोग अच्छे से नोट डाउन करके रखो आप लोग को, क्योंकि मैं पूछूंगी तो आप लोग को आंसर पता भी होना चाहिए। ठीक है,